हे गाइज, आप लोग बिफोर में पिक देख सकते हो और अभी आप लोग आफ्टर में पिक देखोगे। आज मैं कुछ इस तरह का एडिटिंग बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं अपना पोज जो सिंपली ले लेंगे और मैं बैकग्राउंड नहीं चेंज करूँगा। उसके बाद मैं जो PNG यूज करूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐड फोटो पर जाकर उस PNG को हम सिंपली पहले अर्थ वाले को ऐड करते हैं। ये अपने हाथ में हम कुछ ठीक है, ये सारे PNG नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे, वैसे जाकर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो हम सिंपली इसको यहाँ पर पकड़ ले रहा है। तो अभी ये तो हमारे फिंगर पे आ रहा है, हम लोग इसको इरेज करते हैं। तो हम लोग इसकी ओपेसिटी को कर देते हैं कम और उसके बाद में इरेजर वाला ऑप्शन पे जाके इसको हम लोग वहाँ से अपने फिंगर से हटा लेते हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होना। तो चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नए नए एडिटिंग के वीडियोज आपके पास उसके नोटिफिकेशन आते रहे। तो गाइज, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ठीक है, और एक कमेंट भी कर देना प्यारा सा। तो ये मैं अपने फिंगर से हटा लेता हूँ, आप लोग आराम से ऐसे हटा लेना। तो इसको मैं हटा लिया हूँ। अब मैं इसको देखिए, अब मैं इसके ओपेसिटी को देता हूँ बढ़ा और देखिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है, रियल लग रहा है कि हमने अर्थ को अपने हाथ में पकड़ रखा है। तो इसको कर लेते हैं डन। और अगली PNG जो अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उससे डाउनलोड कर लेना, वो है मून की PNG गाइस। तो उसको हम लोग नहीं, ये इस पर कुछ मतलब इफेक्ट पड़ेगा जिससे रियलिटी आएगा। तो ये कुछ लाइट के PNG भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं इसको रोटेक्ट करके, ये हो नहीं रहा, ये रोटेक्ट करके हम लोग इसको अर्थ पे लगा लेते हैं जिससे थोड़ा सा ब्राइटनेस आएगा और वीडियो बहुत, माफ करिएगा, फोटो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होगा। इसको डन कर लेते हैं। अगले ऑप्शन पे जाते हैं ऐड फोटो में। ये भी PNG नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारे PNG आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मूल PNG को ऐड करके उसके बाद अपने हेड के सामने लगा दीजिएगा। मैंने कोई बैकग्राउंड चेंज नहीं किया, सिंपली लाइटरूम से भी एडिटिंग आई बताऊँगा। अब ये मूल PNG लग गया, मैं इसको डन कर लेता हूँ। अब उसके बाद मैं फिर मैं ऐड फोटो पर जाता हूँ और कुछ मतलब और भी है स्नो जैसे PNG, उसको मैं यूज करता हूँ। इसको ब्लेंड पे स्क्रीन करके इसको लगा लेता हूँ। ऐसा लग रहा है कि मतलब वहाँ से रोशनी हमारे चेहरे कपड़े पे आ रही है। ठीक है, तो ये बहुत ही वायरल हो रहा था, हमने सोचा इसको क्यों ना बना दे। अब मैं एक चीज़ करूँगा, ड्रा वाले टूल पर जाता हूँ और वहाँ पर ये जो है इसको व्हाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिससे लगेगा कि मतलब हमारे शरीर पर कुछ रोशनी आ रहा है। इसकी हार्डनेस को कर लेते हैं हम लोग कम, उसके बाद सेट करते हैं। उसके बाद ये तो है ही मेरा। उसके बाद में इस साइज़ को थोड़ा लेते हैं बड़ा, ओपेसिटी को कर लेते हैं कम। ठीक है, साइज़ को फुल मतलब थोड़ा कम कर लेते हैं। इसको अपने चेहरे पे हम लोग सिंपली लगाते हैं। अभी कुछ देर में आप देखोगे लगेगा मतलब हमारे चेहरे पे मून का जो मतलब वो लाइट गिर रहा है वो आ रहा है। ठीक है, चेहरे और कपड़े पर। तो ये मैं आज आप लोग को कुछ नया बता रहा हूँ। तो ये देखिए लेयर पर ये चढ़ा है मेरा पहले से ही। ठीक है, अब मैं इसके यहाँ पर आता हूँ नीचे और ओवरले कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए अपर भी आ रहा है। अब मैं ओपेसिटी को कर देता हूँ सिंपली कम। अब देखिए कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं इरेजर वाले ऑप्शन पे। ठीक, इसके साइज़ को जो बढ़ा लेते हैं, ओपेसिटी को मतलब हिसाब से रख लेते हैं। उसके बाद में सेट करके इसको हम लोग करते हैं, ये जूम करके इसको हम लोग करते हैं इरेज अच्छे से। ठीक है, तो हम लोग ये देखिए आप लोग ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको एक्स्ट्रा पार्ट को हटा लिया है। ठीक, अब देखिए ऐसा लग रहा है कि कुछ मतलब लाइट आ रहा है स्किन पे हमारी, ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, इसको हम लोग सिंपली हटा लेते हैं। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा गाइस, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो बनता है। अब देखिए बिफोर में फोटो कैसा था, आफ्टर में कैसा। ठीक है, तो अब मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से सेव और ले चलता हूँ लाइट रूम एप्लीकेशन में। तो चलिए लाइट रूम एप्लीकेशन में चलते हैं। तो गाइस सिंपली अपने पोज को उसको हम ले आए लाइट रूम में। अब यहाँ पे एक्सपोजर पे आकर के उसको थोड़ा सा कम करते हैं ऊपर जो होगा, तो डन कर लेते हैं। एक्सपोजर को आते कम करते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा सा कम ही रखते हैं यार, ये तो आप लोग जानते हो। हाईलाइट को भी कम रखते हैं और शेडो को कम रखते हैं यार, बेसिक चीज़ आप जानते हो। व्हाइट को बढ़ा लेते हैं, ब्लैक कम कर लेते हैं। अब देखिए अब नेक्स्ट वाले आई शॉट को कस्टम कर देते हैं, आपको मैंने पहले बता रखा है। वाइब्रेशन को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, सैचुरेशन को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं जिससे पिक में थोड़ा सा अमेजिंग लुक आ जाएगा। ठीक है, मिक्स टूल पर जाते हैं, रेड को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं फेस की क्लियरिटी के लिए और ऑरेंज को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ल्यूमिनस को, दोनों को ल्यूमिनस को। उसके बाद इसको कम कर देते हैं, को कुछ मिलेगा नहीं तब पर भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा अर्थ पे हमारे। उसके बाद ग्रीन को भी इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, हरा भरा लगे हमारा अर्थ। उसके बाद मतलब ह्यू को हमने बढ़ा दिया। उसके बाद अगले ऑप्शन पे जाते हैं ना, तो उस पर हम कपड़ों पे कलर करते हैं। तो थोड़ा सा जाते हैं उसके बाद एक्वाटेल पे, उसके बाद बढ़ा देते हैं, सैचुरेशन कम देते हैं, ल्यूमिनस को भी बढ़ा देते हैं थोड़ा। ठीक, और ब्लू पे जाते हैं, उसके बाद इसको ऐसे नहीं अच्छा लग रहा है, ये तो ज़्यादा मतलब फेकू लग रहा है। ठीक है, क्योंकि यार भी बेकार जा रहा है, तो मतलब थोड़ा हम लोग इसको इतने भी बेकार लग रहा है, मतलब 10 या ऐसे कुछ रख लेते हैं या -6 या 2, मतलब आप लोग अपने हिसाब से अपने पोज के हिसाब से बैकग्राउंड के रख लेना। मैंने 11 रखा है। ठीक है, उसके बाद अपने सिचुएशन को हम लोग कर देते हैं कुछ
नहीं बेटा, मतलब सिचुएशन कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, एल्यूमिनस को माइनस फाइव कर देते हैं, उसके बाद चलते हैं अगले ऑप्शन पे। तो यहाँ हमारा सूज, ओ सूज तो मैंने भूल गया, चलो फिर चल अब मैं पिंक वाले पे जाता हूँ और उसके ही को कम कर देता हूँ। सूज पे अलग ही अमेजिंग लुक आ रहा है, एल्यूमिनस को उसके बढ़ा देता हूँ और सिचुएशन को बढ़ा देता हूँ, देख सकते हो आप कितना अमेजिंग लग रहा है। डन करके अगले ऑप्शन पे जाता हूँ ना, फिर क्लियरिटी को इसको 11 तक कर देता हूँ और विजनेट को इसको कम कर देता हूँ और मिड पॉइंट को नहीं छोड़ना, फीडर को हमको बढ़ा देना है, राउंडनेस को बढ़ा देना, विजनेट को हम और थोड़ा कम करते हैं, फीडर को फुल कर देते हैं 100, राउंडनेस को थोड़ा बढ़ा देते हैं। अब नीचे अगले ऑप्शन पे जाते हैं तो हमारा जो शार्पिंग है उसको भी बढ़ा देते हैं, नॉइज डायरेक्शन को बढ़ा करके कलर नॉइज डायरेक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, सुबह तो उसको फुल कर देते हैं, ठीक है। अभी देखिए गाइस वीडियो बहुत ही ज़्यादा, माफ़ करिएगा, फोटो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो गया, बिफोर में आफ्टर में आप लोग देख ही सकते हो। तो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मत भूलना और लाइक तो बनता है यार, इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। बाय बाय, तब तक के लिए।